यस सो एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है लेक्चर के लिए। लेक्चर है फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। बहुत इजी लेक्चर है। मैं बताना चाहूंगा जैसे आपने दूसरे फ्रेजेस पढ़े हैं, जितने इंपॉर्टेंट दूसरे फ्रेजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट ये फील लाइक भी है। हमने कितने फ्रेजेस, कितने स्ट्रक्चर पढ़े हैं? हम वॉन्ट टू, लाइक टू, गोइंग टू, अबाउट टू, यूज टू, बिलोंगिंग टू, कीप ऑन, और इसके अलावा बी विलिंग टू, विश टू, अफ्रेड ऑफ, ये सारे फ्रेजेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, छोटे से फ्रेजेस होते हैं, छोटे से अल्फाजों में बहुत बड़े मीनिंग देते हैं। इसी तरीके से एक फ्रेज है फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। आई विल नॉट टेक योर अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड ओनली टेक योर 5 to 10 minutes टू एक्सप्लेन दिस लेक्चर, क्योंकि ये मेन लेक्चर तो है नहीं, हमारा फ्रेज है और फ्रेज में हम लोग इतना टाइम नहीं लेते। अगर टेंस होता, पैसिव होता, मॉडल होता तो ज्यादा वक्त लगता है। तो लेक्चर का नाम है फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, सबका ध्यान रहे। ओके, फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या बात करता है भाई? बताने से पहले, पढ़ाने से पहले बता दूं, ये भी थोड़ा डिजायर के सेंस में आता है, डिजायर ख्वाहिश के सेंस में आता है, जैसे वॉन्ट टू था, जैसे विश टू था, जैसे विलिंग टू था, ये भी ऐसे ही डिजायर के ख्वाहिश के सेंस में आता है। मगर ये कौन सी ख्वाहिश होती है, ऐसा क्या ख्वाहिश होती है, यानी ऐसी कोई चीज जिसका हमारा दिल चाह रहा हो, चाहता नहीं हो, आई वॉन्ट टू टेक वॉटर नहीं, मैं पानी पीना चाहता हूं, ऐसा कोई काम जिसका हमारा दिल चाह रहा हो। इस सेंस में बात करेंगे कि कोई काम करने का, कोई चीज करने का आपको दिल चाह रहा है, ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फील लाइक इस्तेमाल होता है। और याद रहे कि फील लाइक के साथ हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं फील लाइक के साथ। ओके, ये फ्रेज जो है फील लाइक के साथ, ऐसे ही बहुत सारे और छोटे छोटे भी फ्रेज होते हैं। फ्रेज का काम यही होता है कि कम अल्फाजों में अच्छे मीनिंग देना, जैसे भाई रेंट आउट, कोई चीज रेंट पे देना। आप इतना लंबा बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू गिव दिस हाउस ऑन रेंट, मैं ये घर किराए पे देना चाहता हूँ। या आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू रेंट आउट दिस हाउस, मैं ये घर किराए पे देना चाहता हूँ। इसी तरीके से भाई फ्यूल, आप किसी चीज में फ्यूल भरवाना, आप इतना लंबा बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू फिल द पेट्रोल इन माई कार। या आप बोलते हैं आई वॉन्ट फ्यूल अप माई कार, मैं अपने कार को फ्यूल अप करवाना चाहता हूँ। तो फ्रेजेस का काम, आप भी अपनी रूटीन में, डेली लाइफ में इतने ज्यादा फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, वाइंड अप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ये ऑल आर द फ्रेजेस। और बनता कैसे फ्रेज? वर्ब और प्रीपोजिशन से बनता। खैर ये बात कहीं और चलेगी, फिर आप लोग इधर उधर ले जाते हैं, लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर का नाम है फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। क्या बात करता है? अभी हम बात कर रहे थे डिजायर की, बात करते हैं ख्वाहिश की। ऐसा कोई काम जो करने का दिल चाह रहा हो, जो आप करते हुए इंजॉय करेंगे, अभी समथिंग यू वुड इंजॉय डूइंग, कोई काम ऐसा जो आप करते हुए इंजॉय करेंगे। वैसे डिक्शनरी में हर जगह समथिंग की शॉर्ट फॉर्म ये होती है STH। याद रहे ब्रिटिश का रूल होता है कि ये आईएनजी फॉर्म का जी हमेशा साइलेंट करते हैं। I'm doing work. He is speaking English. We are playing cricket. They are going outside. G silent करते हैं। Anyway, subject क्या formula है इसका? क्या formula? Not के formula. Formula. Stupid नहीं, stupid. U को जरा सही तरह बोलें। Student नहीं, student. Okay? तो क्या formula है इसका? थोड़ा सा formula पे हम लोग discuss कर लेते हैं। थोड़ा सा attention कर लेते हैं इसको formula को। So I want you people to pay attention here. And our concern is now formula. अब formula की बात कर रहे हैं। क्या formula है इसका? सबसे पहले subject, पता है ना subject, revise करने की जरूरत तो नहीं है कि subject क्या होता है? Subjective pronoun, pronoun का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा औलाद pronoun की। Okay? कितने subject हैं? Subjective pronoun क्या होते हैं? First person क्या है? I और we, क्या होता है? I नहीं, I और we। Second person you, third person he, she, it, any name they, ये होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद आ जाएगा फील लाइक लेक्चर, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म। याद रहे फील लाइक के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म। फील लाइक क्या लेक्चर है? डिजायर की बात करता है, ऐसी चीज जिसको करने का हमें दिल चाह रहा है, ऐसा काम जिसको करने का हमें दिल चाह रहा है। सब्जेक्ट फील लाइक, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, सेंटेंस पे ध्यान रहे। अगर डेफिनेशन से नहीं समझ आया, फॉर्मूला से नहीं समझ आया, तो आपको सेंस समझ आ जाएगा इसकी पहली लाइन से। ओके, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड, मेरा बाइक राइड पे जाने का दिल चाह रहा है, चाहता नहीं है, चाह रहा है। आई मीन अभी मैं क्या करूंगा, वुड एंजॉय डूइंग, मतलब मुझे मजा आएगा ये करते हुए। सो आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड, मेरा बाइक राइड पे जाने का दिल चाह रहा है। आई फील लाइक, मैं कहता हूं ही फील्स लाइक ईटिंग पिज्जा। उजैर की बात करते हैं, मैं कहता हूं क्या दिल चाह रहा है भाई उजैर का, आप लोग बताएं। आप सब बोलते हैं सर ही फील्स लाइक, ही के साथ फील है, ही आ रहा है तो फील के साथ क्या आ गया, ऐसा आ गया। तो कहते हैं सर, आप लोग सब कहते हैं सर ही फील्स लाइक ईटिंग पिज्जा, इनका पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, चाहता नहीं है, चाह रहा है, मतलब अभी ये एंजॉय करेंगे खाते हुए। शी फील्स लाइक गिविंग प्रेजेंटेशन, ओके, आई नो शी ऑलवेज रन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, शी जस्ट वांट टू स्किप द प्रेजेंटेशन ऑलवेज, ये हमेशा प्रेजेंटेशन स्किप करना चाहती है। मगर मैं कहता हूँ आज टॉपिक ईजी है, बैगर्स,
बिकारी, बैगर्स के ऊपर टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, तो आई थिंक, मुझे लगता है, शी फील्स लाइक गिविंग प्रेजेंटेशन, इनका प्रेजेंटेशन देने का दिल चाह रहा है। तो फील लाइक बात करता है ऐसे एक्शंस के बारे में, ऐसे कामों के बारे में जिसको करने का हमें दिल चाह रहा है, ओके। और नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ इसमें क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल होता है। जैसे आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड, तो नेगेटिव क्या होगा, आई डोंट फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड। अब इसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं नॉर्मली, What is a mistake? Normally people they commit. क्या लोग mistake करते हैं कि भाई feel like के बाद two लगा देते हैं? Not possible. Absolutely not. You know, after feel like we can't use two. हम feel like के बाद two नहीं यूं बनाते हैं sentence. I feel like to go for a bike ride. Not at all. Not possible. You know, we can make I feel like going for a bike ride. We can't say I feel like to go for a bike ride. ऐसे नहीं हो सकता feel like to, feel like going. तो two नहीं लगाएं इसमें। कुछ एग्जांपल्स अभी आप लोग सब एग्जांपल्स बनाएंगे, तो एग्जांपल्स बनाते हुए भी अभी देखना आप लोगों से टू निकलेगा, ओके। सो डोंट यूज टू, क्योंकि और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं। याद रहे इंग्लिश में अगर टू के बाद वर्ब आता है, अगर टू के बाद वर्ब आता है, तो याद रहे कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, 99% कुछ ऐसी जगह है, यानी 1% ऐसी जगह है जहां पे अगर टू के बाद वर्ब आ रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म होती है, वरना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा। ये जनरल रूल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वी ऑलवेज यूज आफ्टर टू। जैसे बिफोर, आफ्टर, फॉर, ऑफ, अगर इनके बाद वर्ब आता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है हमेशा। बिफोर टेक क्लास और बिफोर टेकिंग क्लास, बिफोर टेकिंग क्लास आई टेक वॉटर, आफ्टर लीव सेंटर, आफ्टर लीविंग द सेंटर, आफ्टर लीविंग द सेंटर आई गो विद माई फ्रेंड्स, ओके। फॉर, फॉर यू आर हेयर फॉर इंप्रूव इंग्लिश, और फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश, यू आर हेयर फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश, ओके। ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग, और आई एम अफ्रेड ऑफ गो, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग, मुझे जाने से डर लगता है, ओके। सो बिफोर, आफ्टर, फॉर, ऑफ, इनके बाद वर्ब आई एन जी फॉर्म, टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। है कौन लोग, ये लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एक रिश्तेदार के बच्चे हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रिश्तेदार है, प्रेपोजिशन उसके बच्चे हैं। प्रेपोजिशन किस लिए इस्तेमाल होता है, जगह और टाइम से पहले लगता है, और कभी कभार वर्ब्स के साथ भी लग जाता है, ओके। तो फील लाइक की बात कर रहे हैं, लेट्स कम बैक, फिर आप इधर उधर ले जाते हैं, एनीवे यस, तो माफ करना इधर उधर निकल जाता मोइन अख्तर लेजेंड साहब, मोइन अख्तर उमर शरीफ लेजेंड, या एनीवे। सो समथिंग यू वुड एंजॉय डूइंग, फील लाइक बात करता है ऐसा कोई काम जो आप इंजॉय करेंगे, ऐसा कोई काम जिसको करने का आपको दिल चाह रहा है। अच्छा एक और बात बता दूं, लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और बात बता दूं कि ये लेक्चर को हम डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं पास्ट में भी, ओके। मोल्ड का क्या मतलब है, यहाँ फिट नहीं बैठता वर्ड फिर भी ऐसा वोकैबुलरी मेरे जहन में आ गया। मोल्ड का मतलब है ढालना, ढालना, मोल्ड, ढालना। और एक होता है मोल, तिल, मोल, तिल, ओके। और एक होता है म्यूल, खच्चर, खच्चर, पता है ना खच्चर क्या होता है, एक होता है डंकी, एक होता है हॉर्स, एक होता है म्यूल, खच्चर। और म्यूल से ही वर्ड निकला है, खच्चर से ही। बड़ा ये जो खच्चर होता है बड़ा ढीठ जानवर होता है, बड़ा ढीठ जानवर होता है, मगर वजन उठाने में माहिर होता है खच्चर। हाँ, मैंने सुना है कि हजरत अली की जो है ना सवारी थी म्यूल। अच्छा भाई, म्यूल से ही वर्ड निकला है, म्यूलेश, जिद्दी, ढीठ, म्यूलेश। तो मोल्ड, ढालना, मोल, तिल, म्यूल, खच्चर, म्यूलिश, जिद्दी, ढीठ। अच्छा आगे आते हैं वापस, मैंने कहा कि आई एम टेलिंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन मेक दिस लेक्चर, वी कैन कन्वर्ट दिस लेक्चर इनटू पास्ट आल्सो, पास्ट में भी ये लेक्चर जा सकता है। जैसे आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड, या आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा, मेरा पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, तो ये लेक्चर पास्ट में जाएगा तो फील हो जाएगा फेल्ट, आई फेल्ट लाइक ईटिंग पिज्जा, मेरा पिज्जा खाने का दिल चाह रहा था, I felt like eating pizza. I felt like driving car. मेरा गाड़ी चलाने का दिल चाह रहा था। तो आपका क्या क्या करने का दिल चाह रहा है? Please, let's have some sentences. मेरा English बोलने का दिल चाह रहा है। I feel like speaking English. Okay. मेरा lecture लिखने का दिल चाह रहा है। I feel like writing lecture. Uzair, yes. हमारा USA जाने का दिल चाह रहा है। We feel like going USA. Yeah, please make more practice. You know, after the video, we will make more practice for this lecture and we will take presentation also. हम presentation भी करेंगे. Of course, you know, I can't help taking presentation. आपको पता है ये बात कि presentation लिए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता. और आज हो सकता है beggars पे presentation करें या conversation कर लें हम लोग. तो lecture name is feel like plus verb ing form. Okay, please make some sentences.